सब्सक्राइब दबाकर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आसिम पठान आपका वेलकम करता हूं अलीगढ़ बजीज एंड फिंसिस चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा बजी पैरट सबसे ज़्यादा एग ले करते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, काफ़ी तरीके के बजीज पैरट्स होते हैं, उनमें से हम बताएंगे कि कौन सी वैरायटी सबसे ज़्यादा एग ले करती है, आपको कौन सी वैरायटी रखनी है और कौन सी नहीं रखनी। दोस्तों, बजीज पैरट तो बहुत तरीके के आते हैं। एक आता है नॉर्मल बजीज, जो आप अपने सामने देख रहे हैं स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं सामने जो बजीज हैं ये नॉर्मल बजीज कहलाते हैं। इसके अलावा एक बजीज की वैरायटी होती है इंग्लिश बजीज। इंग्लिश बजीज में भी बहुत सारे बजीज होते हैं, कोई कहता है उनको एग्जीबिशन बजीज, कोई होमोग्रोमो के नाम से जानता है, तो कोई हेलीकॉप्टर बजीज के नाम से जानता है। तो इस तरीके के बहुत सारे बजीज होते हैं, वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं। इन फ्यूचर इंशाल्लाह वो बजीज हम रखेंगे इंग्लिश बजीज, तो उसके ऊपर भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आपके पास और हमारे पास इस टाइम मोस्टली लोगों पर नॉर्मल बजीज हैं, तो क्यों ना नॉर्मल बजीज के ऊपर बात की जाए, इसके बारे में बताया जाए कि कौन से बजीज सबसे ज़्यादा एग ले करते हैं। तो दोस्तों, कहीं मत जाइएगा, वीडियो साथ बने रहिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको एक एक बात बताऊँगा। तो दोस्तों, नॉर्मल बजीज के अंदर सबसे पहले तो आता है वाइल्ड बजी। वाइल्ड बजी का फोटो आप सामने देख रहे हैं, वाइल्ड बजी ग्रीन कलर के मोस्टली होते हैं। इसके बाद दोस्तों दूसरी वैरायटी होती है पाइट की। पाइट का फोटो आप देख रहे हैं, इस तरीके के पाइट कहलाते हैं, मैं बहुत शॉर्ट में वीडियो बना रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों आते हैं एल्बिनो और लुटिनो, जो कि रेड आइज में होते हैं, और इसमें रेड आइज में फेलो भी होते हैं। तो ये तीन तरीके की मैं कॉमन वैरायटी लेकर चलूँगा इसमें। तो इन तीनों वैरायटी पे बात करेंगे, सबसे ज़्यादा एग ले कौन करता है, सबसे कम एग ले कौन करता है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो ब्रीड करता है और मजबूत जिसकी ब्लड लाइन होती है, वो होती है वाइल्ड बजी की। वाइल्ड बजरी जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है डार्क ग्रीन कलर में जो आप सामने देख रहे हैं, और इसके साथ साथ होता है ब्लू कलर में। इस तरीके का जो होगा वो वाइल्ड बजी कहलाएगा, ठीक है। वैसे तो ग्रीन और ब्लू में पाइट भी होते हैं, लेकिन हम इस टाइम वाइल्ड में बात करेंगे। तो इस तरीके के जो बजीज होते हैं, मेल फीमेल इस तरीके के जो होते हैं, अगर इनकी पेयरिंग अगर आपस में वाइल्ड की बनी हुई है, यानी कि वाइल्ड की पेयरिंग वाइल्ड से है, यानी कि मेल भी वाइल्ड का और फीमेल भी वाइल्ड की, इस तरीके के अगर हैं, तो समझ लीजिए कि आपको बहुत अच्छे चिक्स मिलेंगे। 6 से 7 बच्चे निकालते हैं एक बार में, और बहुत अच्छे पेरेंट्स होते हैं ये, बहुत अच्छी तरह केयर करते हैं अपने बच्चों की। और मोस्टली मैं देखता हूँ उनके एग जो होते हैं ना, हैच ज़्यादा होते हैं, अच्छी तरह केयर करते हैं उसको, इनक्यूबेट भी एग को बहुत अच्छी तरह करते हैं रेगुलर बेसिस पे। तो इस तरीके से अगर आपके पास पैरट्स हैं, तो समझ लीजिएगा कि आपको बहुत सारे चिक्स मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं पाइट की। पाइट की जो किस्म होती है, ये भी अच्छी तरह चिक्स निकालते हैं, ये भी बहुत अच्छी ब्रीड करते हैं, लेकिन वाइल्ड के मुकाबले थोड़े से कम करते हैं ये। मान लीजिए अगर वाइल्ड पूरे साल में ब्रीड करने के बाद मजबूत अगर मिलता है, बीमारी वगैरह से भी बचा रहता है वाइल्ड, लेकिन पाइट के अंदर मैं देखता हूँ जल्दी बीमारी आ जाती है वाइल्ड को देखते हुए। मैं यहाँ बुराई नहीं करूँगा किसी परिंदे की, लेकिन मैं आपको इसका कंपेयर बता रहा हूँ। तो वाइल्ड जो बजरी होते हैं वो मजबूत होती है ब्लड लाइन उनकी, बीमार भी बहुत कम होते हैं, और एग ले भी ज़्यादा करते हैं, बच्चों को भी अच्छी तरह पालते हैं। तो वाइल्ड के बारे में आप समझ गए। सेकेंड नंबर पर आता पाइट। पाइट जो होता है वो बच्चे इसके मुकाबले कम निकालता है, लेकिन बच्चे ये भी बहुत निकालते हैं, 6 बच्चे निकालते हैं, ये भी ऐसी बात नहीं है, 5 बच्चे मेरे यहाँ भी पाले हैं इन्होंने। तो पाइट भी अच्छा बर्ड है, खूबसूरत होता है, अच्छी तरह चिक्स निकालते हैं, लेकिन कंपेयर करा जाए वाइल्ड से, तो वाइल्ड के मुकाबले थोड़ा सा ये कम केयर करते हैं और कम चिक्स निकालते हैं। दोस्तों, तीसरे नंबर पर आता है रेड आइज। रेड आइज जो होता है वो कई सारे कलर में होता है, कभी कभी वो एल्बिनो में भी देखने को मिलता है, बिल्कुल वाइट कलर का जो पैरट होगा वो रेड आइज निकलता है, और कभी कभी येलो कलर के जो होते हैं वो भी रेड आइज होते हैं। आप सामने देख भी रहे होंगे, वाइट और येलो आपको सामने नज़र आ रहे हैं, ये सब रेड आइज हैं। तो दोस्तों, रेड आइज की जो ब्लड लाइन होती है थोड़ी कमज़ोर होती है पाइट के मुकाबले और वाइल्ड के मुकाबले। तो ये तीसरे नंबर पे आता है, ये ब्रीड इन दोनों से थोड़ी कम करता है, लेकिन ब्रीड ये भी करता है, ऐसी बात नहीं है कि ब्रीड नहीं करता। अगर ब्रीड नहीं करता तो ये आपको सामने नज़र नहीं आ रहे होते ये, तो ये ब्रीड करते हैं लेकिन कम ब्रीड करते हैं, और चिक्स को इतनी अच्छी तरह क्लियर नहीं कर पाते जितनी अच्छी तरह वाइल्ड और पाइट कर लेते हैं। तो अगर आप इन फ्यूचर या अभी हाल फिलहाल में कॉलोनी बनाने की सोच रहे हैं, तो आप वाइल्ड की और पाइट को मिला के बना सकते हैं, अगर आप इंडिया में हैं, क्योंकि इंडिया में सबका प्राइस एक ही होता है,
कोई ज्यादा फर्क नहीं होता किसी भी चीज में। तीनों तरीके के, चारों तरीके के जो बर्ड हैं आपको वो एक ही प्राइस में मिल जाएंगे मार्केट में। इसके अलावा दूसरे मुल्क वगैरह में जो इनके प्राइस होते हैं सबके अकॉर्डिंग होते हैं, उनकी खूबसूरती के अकॉर्डिंग उनके प्राइस सेट करे जाते हैं। तो दोस्तों इसी की वजह से इंडिया के अंदर शौक करना आसान है, यहाँ पर अच्छी तरीके से सस्ते में बर्ड्स मिल जाते हैं, एक ही प्राइस में सब तरीके की वैरायटी मिल जाती है। अदरवाइज दूसरे मुल्कों में सबके प्राइस अलग होते हैं, रेड एस का कुछ और होगा, वाइल्ड का कुछ और होगा, पाइड का कुछ और होगा। तो यहाँ पर आप आराम से शौक पूरा कर सकते हैं अपना। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं रोकते हैं और उम्मीद करूँगा कि आपको सारा टॉपिक समझ आ गया होगा कि कौन सा बजी ज़्यादा ब्रीड करता है नॉर्मल बजीज में। तो इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात करूँगा, इंशाल्लाह रोज़ एक वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा, अपना ख्याल रखें, अपने बर्ड्स का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।